यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा है, हर 5 मिनट पे ना रास्ता पे आपको 7-Eleven का स्टोर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आराम से खाना पीना जो भी आपका नेसेसिटी का सामान है वो ले सकते हैं। अंडामंत्रा रिसोर्ट का ये रिसेप्शन एरिया है, तो यहाँ पे एक मिनी वैन टाइप का है, वहाँ उस पर आपको लेके जाता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बिल्डिंग पे। रिसेप्शन एरिया काफ़ी बड़ा है और बहुत सुंदर है। हम लोग को 2nd फ्लोर में रूम मिला है और रूम ये है। क्रैबी का होटल का कंपैरिजन में ये रूम थोड़ा सा छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है। ये बाथरूम, होटल का जो मेन अट्रैक्शन है जो इसका इन्फिनिटी पूल है, जहाँ से पूरा आपको सी दिखेगा, वहाँ पे लेके चलते हैं और आपको उसका पूल दिखाते हैं। बिकॉज ये होटल बुक करने का मेन रीज़न यही है कि इसका जो स्विमिंग पूल है एकदम टॉप पे है और वहाँ से पूरा समुंदर दिखता है और आपको पैटोंग बीच भी वहाँ से दिखेगा। 2nd फ्लोर पे यहाँ पे आपको एक दूसरा पूल भी मिल जाएगा। मेन पूल ये वाला नहीं है, मेन पूल जो है वो एकदम ऊपर है, बट यहाँ पे भी एक पूल है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हर एक पूल का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। बहुत सुंदर है ये होटल, बहुत, स्पेशली इसका लोकेशन और इसमें जितना सारा एक्टिविटीज़ जो है वो मस्त है। यहाँ पे अगर होटल में आ रहे हो तो 0 में अगर फ़ोन करोगे तो रिसेप्शन से आपको ऐसा गाड़ी मिल जाएगा जो आपको रेस्टोरेंट या फिर पूल तक पहुँचा देगा। ये 3rd नंबर बिल्डिंग और ये है 4th। इसी का टॉप पे आपको पूल मिल जाएगा, रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सुबह ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। यहाँ जाना है हम लोग को, ब्लू होराइजन पूल। यहाँ पे बैठने का जगह भी बना हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे बैठ के ड्रिंक्स विंक्स एंजॉय कर सकते हो। यहीं से आपको ड्रिंक्स मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है। दिस प्लेस इज़ रियली ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फाइनली फुकेट का मोस्ट हैपनिंग प्लेस द बांग्ला रोड, जहाँ का नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए आपको बांग्ला रोड दिखाते हैं पहले। फेमस सी फूड मार्केट बांग्ला रोड। यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल भी मिलेगा। की आगे देने भाई देखा है को भाग। पूरा बोलने तो दो, यू कैन लेट मी कंप्लीट। बीच वाला एरिया भी एकदम सजाया हुआ है। यहाँ पे अभी बहुत सारा लोग है जो यहाँ पे बैठ के चिल कर रहा है। रात का 1:30 बज रहा है, लेकिन अभी भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इतना रात हो गया है। ऐसा लग रहा है कि शाम का 7 बज रहा है। मतलब इतना हैपनिंग है ना ये जगह। मतलब अंदर तो इतना लाउड म्यूज़िक था, मैं कुछ भी बोल नहीं पाया, बट आप वीडियो तो देख भी पा रहे होंगे कि मतलब हर जगह लाइव म्यूज़िक चल रहा है, डांस चल रहा है, कितना सारा शोज़ चल रहा है, और बहुत बड़ा बड़ा पब्स है यहाँ पे। सब फ्री एंट्री था। अंदर जाके आप कुछ भी पीते हैं या खाते हैं तो उसका अलग से पैसा लगता है, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में है। तो यहाँ का सबसे बड़ा जो पब था ना, इल्यूशन, हम लोगों ने आज वहाँ पर गया है। बैंकॉक का जैसा वॉकिंग स्ट्रीट है, यहाँ पर भी बांग्ला रोड वही है। और कमिंग टू फुकेट, एक बार बांग्ला रोड का एक्सपीरियंस ज़रूर करना। अगला दिन सुबह हम लोग सीरी ट्रिप के लिए रेडी हो गए हैं, पूरा एकदम चेंज वेंज करके। सबसे पहले रेस्टोरेंट आए हैं यहाँ पे रूफटॉप पे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे आज फुल डे सीरी ट्रिप के लिए। सिटी ट्रिप में हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन टाइगर पार्क, और यहाँ पे हम लोगों ने जो बुक किया था उसमें मीडियम टाइगर इंक्लूडेड है। अब अगर आप बड़ा टाइगर के साथ फ़ोटो या वीडियो लेना चाहते हो तो फिर उसके लिए 100 भाट एक्स्ट्रा पर पर्सन देना पड़ेगा। 700 भाट देते हो तो उसमें वो लोग आपको 50 फ़ोटोज़ और वीडियो अलॉन्ग विद एन SD कार्ड वो आपको प्रोवाइड करता है। बट वो आपके ऊपर है, अगर आप अलग से चाहते हो तो फिर यहाँ पर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र आपके लिए फ़ोटो उठा देगा, वीडियो उठा देगा और आपको वो मेमोरी कार्ड दे देगा। हमारा पैकेज में मीडियम टाइगर एडेड था, हम लोगों ने उसको 100 भाट एक्स्ट्रा पर पर्सन दे के चेंज करा के बिग टाइगर में चेंज करा लिया। लेट्स सी, डर तो बहुत लग रहा है। तीन साल बड़ा, इसका नाम है टापी। आप टाइगर के साथ फोटो खिंचा सकते हो, बट पूंछ को नहीं पकड़ सकते। पूंछ को पकड़ सकते हो, पीछे का साइड, पीछे का पैर पकड़ सकते हो, बट सामने का कुछ नहीं। वी कैन नॉट टच हिज फेस, राइट, एंड द फ्रंट लेग्स, हाफ बॉडी। ओके ओके, lean on the tiger. Yes, sure. 100%. Your face is just. टाइगर को टच करना कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन गजब का एक्सपीरियंस है। मतलब हम लोग जू में जाते हैं, वहाँ पे इतना डर लगता है, जबकि वो पिंजरा के अंदर रहता है। यहाँ पे तो पिंजरा के बाहर बैठा हुआ है, और इसका साइज देखे, इट्स ह्यूमंगस। हमारा नेक्स्ट स्टॉप बिग बुद्धा, द फेमस बिग बुद्धा। बिग बुद्धा अगर आ रहे हो तो एक चीज़ पता करके रखिए कि यहाँ पे अगर लेडीज़ लोग के लिए स्पेशली जो भी ड्रेस पहन के आ रहे हो वो नी लेंथ से नीचे होना चाहिए, और स्लीवलेस नहीं पहन सकते। इनकेस इफ यू आर वेयरिंग स्लीवलेस तो कपड़ा मिल जाएगा श्रग, ये आप खरीद के यहाँ पे पहन सकते हो। टी स्टेप्स ये करके आपको बिग बुद्धा में उठना है। टूरिस्ट आया हुआ है। और यहाँ से आपको पूरा पूरा पीछे देखो, पूरा आपको पैटोंग बीच दिख रहा है। एमरल्ड ग्रीन कलर का पूरा कलर आया है समुद्र पर, आज बहुत अच्छा लग रहा है। आप थाईलैंड फुकेट में आ रहे हो तो बिग बुद्धा ज़रूर विजिट करना। हम लोग का तो सीधे ट्रिप में इंक्लूडेड था, अगर आप अलग से आना चाहते हो वो भी आ सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा सुविनियर का दुकान है, आप चाहो तो कुछ खरीद सकते हो। बिग बुद्धा से 15 मिनट ट्रैवल के बाद हम लोग आ पहुँचे हैं वाट चलोंग टेम्पल। यहाँ पे 45 मिनट हम लोग को दिया गया है और ये वाला टेम्पल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। बिग बुद्धा का व्यू बहुत अच्छा था, बट ये टेम्पल का अगर आर्किटेक्चर देखेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये है वाट चलोंग टेम्पल। सारा दिन सिटी टूर करने के बाद थोड़ा थक गए हैं तो हम लोग पैटोंग बीच वापस आ गए हैं, लंच कर लेते हैं। तो हम लोग एक पिज़्ज़ा का दुकान में घुसे हैं। होटल में पूल में उतरने का प्लान है। अब लेट्स सी 7:30 बजे तक पूल एक्सेस है, तो अगर 7:30 बजे तक पहुंच जाता है तो वेरी गुड। सिटी टूर अपना बहुत ज़्यादा टायरिंग था, तो हम लोग होटल पहुँचे तो अब 5:30 बज रहा था। लंच भी करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो पहले लंच किए हम लोग पैटोंग बीच पे, फिर होटल आए और होटल आके सबको इतना ज़्यादा टायर्ड हो गया था, थोड़ा सो गए थे। तो कल हम लोग फिफी के लिए कल सुबह 7:30 बजे निकलेंगे। अब लेट्स सी कल क्या होता है।